दिल्ली एनसीआर में भी सुबह से रुक रुक कर बारिश लगातार हो रही है और बारिश की वजह से कई जगहों पर सड़कों पर पानी भर गया है, जिसकी वजह से जाम के हालात भी देखे गए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में सुबह से अब तक 36 मिलीमीटर तक की बारिश हो चुकी है। पीडब्ल्यूडी को करीब 15 जगह से सड़कों पर पानी भरने की शिकायतें मिली है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिनों तक इसी तरह से दिल्ली एनसीआर में बारिश होने के आसार हैं। यानी कि भीषण गर्मी से तो राहत मिली है दिल्ली एनसीआर के लोगों को, लेकिन जब पानी जमा हो रहा है फिर आप समझिए किस तरीके के हालात वहां पर होते हैं। हमारे सहयोगी अमित गौतम की एक रिपोर्ट है, देखिए आप किस तरह के हालात इस वक्त हैं। दिल्ली जिसको देश की राजधानी कहा जाता है, जहां कानून बनते हैं और जहां से संसद चलती है, उस देश की राजधानी को कुछ घंटों की बारिश ने पानी पानी कर गया। दरअसल मैं इस वक्त दिल्ली के NH9 पर हूं और मेरे पीछे की पहले तस्वीर को देखिए और तस्वीर के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहूंगा कि मैंने ऐसा क्यों बोला कि चंद घंटों की बारिश ने दिल्ली को पानी पानी कर दिया। तस्वीर आपकी दिल्ली जिसको देश की राजधानी कहा जाता है, जहां कानून बनते हैं और जहां से संसद चलती है, उस देश की राजधानी को कुछ घंटों की बारिश ने पानी पानी कर गया। दरअसल मैं इस वक्त दिल्ली के NH9 पर हूं और मेरे पीछे की पहले तस्वीर को देखिए और तस्वीर के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहूंगा कि मैंने ऐसा क्यों बोला कि चंद घंटों की बारिश ने दिल्ली को पानी पानी कर दिया। तस्वीर आपके सामने है, नजारा है और अच्छी तरीके से आप देख रहे हैं और समझ भी चुके होंगे कि ऐसा क्यों बोला गया। देखिए मानसून दस्तक दे चुका है, मानसून चल रहा है, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी यही समस्याएं दिल्ली के देशवासियों को मिल रही है। दरअसल यहाँ पर देखिए वाटर लॉगिंग की समस्या हुई, सुबह से बारिश हुई है, उसके बाद नतीजा ये रहा कि कुछ घंटों की बारिश ने वाटर लॉगिंग की यानी कि जल भराव की समस्या पैदा कर दिया है। और तस्वीरें देखिए, जो लोग अपने ऑफिस लो या फिर अपनी मंजिल तक जो जा रहे हैं उनको कितनी समस्याएं हो रही है। और NH9 पर मैं जहां पर हूँ ये हाईवे है और यहाँ पर अक्सर पानी नहीं रुका करता है, लेकिन हालात अब स्थिति ये हो गई है कि आप देखिए एक इलेक्ट्रिक बस है जो कि पूरी तरीके से रुक चुके क्योंकि और उसके चक्के पर कितना ऊपर तक पानी भर गया और यहां से जो भी कोई लोग आ रहे हैं चाहे टू व्हीलर